डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजिटल रिटर्न हम ऐसा देखेंगे ही, क्यों नहीं हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड। चलें अगले पे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिजिटल रिसोर्सेस से हमारा क्या मतलब है। वो ई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, वॉइस नरेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन हो तो इसको हम डिजिटल रिसोर्सेस का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक करते जाओ, नेक्स्ट स्लाइड। सब लोग अगली स्लाइड देख पा रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स में से कोई चैट बॉक्स में बताएं। अरे नाम चला गए। क्या इतना परेशान कर उसके रहा है? अलावा तो इसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं डिजिटल रिसोर्सेज इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। तो ये एक मॉडल है जिसको हम टीपैक मॉडल कहते हैं, TPACK मॉडल, जो कि एक ब्लेंड है टेक्नोलॉजी, कंटेंट और पेडागॉजी का। इन तीनों के प्रॉपर ब्लेंड से ही हम एक टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एंगेजिंग इंटरेस्टिंग लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए टीचर को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, पेडागॉजिकल नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है तो हम एक ICT मीडिएटेड लेसन प्लान क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। फिर जब हम कोई भी विषय पढ़ाते हैं, अगर हम उसका कंटेंट एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि ये चार तरह के कंटेंट हमें देखने को मिलते हैं। फैक्चुअल कंटेंट, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट, प्रोसीजरल कंटेंट एंड मेटा कॉग्निटिव कंटेंट। फैक्चुअल, जहां फैक्ट की बात की जाती है, जैसे सोशल साइंस में लें तो देश के राज्य, राजधानियां और विश्व में किस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, देश हैं उनकी राजधानियां क्या हैं। कॉन्सेप्चुअल, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे पृथ्वी गोल है, ये एक फैक्ट भी है, लेकिन अगर हम इसको समझाना चाहें कि कैसे हम पृथ्वी को गोल माने तो ये एक कॉन्सेप्ट भी है। ब्रह्मांड है जो वो किस तरीके से स्थित है, और उसमें अलग अलग जो सोलर सिस्टम है, अलग सेलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, ये कॉन्सेप्ट है। और अन्य विषयों में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कुछ हम प्रोसीजर्स की बात करते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज होता है, जिसमें कि प्रोसेसेस बताए गए होते हैं, जैसे कि साइंस में अगर लें, बायो में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी आंख कैसे काम करती है, कान से हम सुनते कैसे हैं, ये सारे प्रकार के कंटेंट हैं। मेटा कॉग्निटिव में जैसे कि हमें जिसको भावना के स्तर पर समझने की आवश्यकता है, पीस एजुकेशन का कंटेंट है, या
जब हम बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन की, वो सब प्रकार के कंटेंट इस कैटेगरी में आते हैं। आगे अगर हम देखें स्लाइड में, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं ई कंटेंट के, माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशन, ऑडियो वीडियो, चैट बॉक्स में अगर इनमें से कोई भी आपको समझने में दिक्कत है तो वो लिखिए, उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे। माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशंस, ऑडियो वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, एनिमेशंस, कार्टून, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। तो सिमुलेशन लिख रहे हैं लोग, इंफोग्राफिक लिख रहे हैं, देखिए चैट बॉक्स में और क्या क्या आ रहा है, सिमुलेशन यही दो आ रहे हैं। तो हम देखेंगे सिमुलेशंस क्या है, इन्फोग्राफिक्स क्या है, माइंड मैप्स क्या है, सभी तरह के हम रिसोर्सेस को दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये एक इन्फोग्राफिक माइंड मैप का उदाहरण है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क होता है कि हम पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसके सब टॉपिक, सब टॉपिक से अलाइंड टॉपिक। अगर हम माइंड मैप बना लेते हैं तो माइंड मैप के माध्यम से हम उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपना लेसन भी अनफोल्ड कर सकते हैं धीरे धीरे यूजिंग माइंड मैप। और ये आप बनाना सीखेंगे। माइंड मैप के ऊपर एक सेशन है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए ऐसे माइंड मैप बनाते हैं, माइंड मैप सीखेंगे, है माइंड मैप के ऊपर सेशन। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये माइंड मैप है और आपको सिखाया भी जाएगा, तो आपको और एक्सटेंसिव नॉलेज इसके बारे में होगा। तो ये है इन्फोग्राफिक, क्योंकि इन्फोग्राफिक के बारे में भी चर्चा हो रही थी, लोग इन्फोग्राफिक के बारे में जानना चाह रहे थे। तो ये इन्फोग्राफिक का एक उदाहरण है जो कि कॉम्बिनेशन होता है इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक का, दो चीजें होती हैं उसमें, इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक। अगर हम पोस्टर्स, चार्ट्स, इस तरह की चीजें ले तो वो एक ब्रॉडर टर्म है इंफोग्राफिक, जिसके अंतर्गत आते हैं। ये एक फैमिली ट्री है और इसे हम इंफोग्राफिक के और फ्लो डायग्राम के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो जिसमें रानी का फैमिली ट्री है, तीन फैमिली ट्री इसमें हम देख सकते हैं, रानीज फैमिली ट्री, और इसके बाद शालिनी का फैमिली ट्री है, और आगे हम देखें तो स्क्रॉल करें तो ये तीन फैमिली ट्री क्यों इन्फोग्राफिक बनाए गए, वो इसलिए क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है एडरिंग टू स्मॉल फैमिली नॉ। अगर एक फैमिली ट्री में हम सारे रिश्ते पिरोने की कोशिश करेंगे तो वो लार्जर फैमिली होगा, टू चाइल्ड फैमिली हम नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए तीन इन्फोग्राफिक में विभिन्न रिश्तों को दिखाने की कोशिश की गई है कि बच्चे का उनसे क्या संबंध है। और लर्निंग आउटकम अगर हम देखें तो लर्निंग आउटकम है द लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स विद एंड अमंग फैमिली मेंबर, कि किस तरह से बच्चे का रिलेशनशिप है विद एंड अमंग फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, वापस प्रेजेंटेशन पर आते हैं। तो सिमुलेशन के बारे में, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि सिमुलेशन क्या है प्रतिभागियों को, तो सिमुलेशन अगर किसी भी जो अभी आप स्लाइड पे देख रहे हैं, जो हमने चर्चा भी की थी, एक टाइमलाइन का उदाहरण है। आगे हम सिमुलेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सिमुलेशन हम किसे कहते हैं, जो नियर टू रियल किसी भी कॉन्सेप्ट का हमें एक विजुअलाइजेशन देता है तो उसको हम सिमुलेशन कहते हैं, नॉट रियल बट नियर टू रियल। अगर आप प्लेनिटोरियम्स में गए होंगे, तारामंडल में, तो वो ब्रह्मांड के कुछ पार्ट्स का एक सिमुलेशन हमें उससे मिलता है, यानी कि वो एक नियर टू रियल है। ये भी एक सिमुलेशन का उदाहरण है, देख सकें तो ये अमीबा का सिमुलेशन है जिसमें अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है वो प्रक्रिया, और ये प्रोसीजरल नॉलेज का भी उदाहरण है क्योंकि इसमें डाइजेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। अगला स्लाइड अगर हम देखें तो ये उदाहरण है एक
हाँ ये उदाहरण है सिमुलेशन का। तो ये एक ऐप और वेबसाइट है। अच्छा टाइमलाइन कोई अभी बोल रहे हैं टाइमलाइन, तो टाइमलाइन एक बार हमने जो पहली प्रेजेंटेशन में पॉलिसी डायरेक्शंस की स्लाइड दिखाई थी वो टाइमलाइन का उदाहरण है। ये देखिए ये टाइमलाइन है। ये सवाल आ रहा था हमारे प्रतिभागियों से, ये टाइमलाइन का ऑनलाइन होते हैं, टाइमलाइन इंटरैक्टिव भी हो सकते हैं। अगला ये डायग्राम का उदाहरण है जिसमें वॉटरफॉल फॉर्मेशन को एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, और जिसमें आप देखें कि हार्ड रॉक है सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक के ऊपर से पानी बह रहा है और सॉफ्ट रॉक को क्योंकि वो वाटर टच करता है तो उसमें अंडर कटिंग फास्ट होती है, तो हार्ड रॉक का कुछ समय बाद एक छज्जा सा बन जाता है और वाटर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक अंतराल के बाद ये हार्ड रॉक टूट जाती है। तो हम सभी ने देखा है कि वॉटरफॉल के नीचे झरनों के नीचे बहुत सारी टूटी हुई चट्टाने हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक डायग्राम के माध्यम से जो सदियों में घटित होने वाली घटना है किसी भी लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन, वो हम बहुत कम समय में उसको देख सकते हैं, समझा सकते हैं बच्चों को डायग्राम के माध्यम से या छोटे एनिमेशन के माध्यम से। नेक्स्ट, ये एक कार्टून का उदाहरण है जिसमें दिखाया गया है कि एक डायनासोर का कार्टून, उसकी पिक्चर लटकी हुई है एक पेड़ पर, और जो कैप्शन हम देख सकते हैं मिसिंग सिंस अ बिलियन ईयर्स, और बाकी जानवर जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक सदियों से ये जानवर जो है वो गायब है पृथ्वी से। तो इससे जो डार्विन का थ्योरी है या जो लुप्त होते प्राणी हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम वार्म अप कर सकते हैं क्लास को इस कार्टून से, उनमें रुचि जागृत कर सकते हैं और आगे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ हम उनको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये एक कॉमिक स्ट्रिप का उदाहरण है जिसमें एपिथेलियल सेल जो हमारे स्टमक में होती हैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत रोचक तरीके से इस कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जो लड़का है उसके स्टमक में पेट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो लड़की बोलती है कि तुम्हें एसिडिटी हो गई है। तो लड़का अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है कि एसिडिटी अगर है तो क्या एसिड तो कोरेसिव होते हैं, उनसे तो क्षय होता है, अगर लकड़ी के पीस पे हम डाल दें तो वो छेद कर देते हैं एसिड, तो क्या मेरे पेट में भी छेद हो जाएगा इससे। तो लड़की बताती है कि हमारे स्टमक में एपिथेलियल सेल होते हैं जिससे कि एक म्यूकस निकलता है जो हमारे स्टमक को कवर कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत ही रोचक तरीके से एपिथेलियल सेल का कॉन्सेप्ट बताया गया इस कॉमिक स्ट्रिप में, जो अन्यथा हम इतना रोचक बना के नहीं पेश कर सकते। और इससे अगर हम बताएंगे तो शायद बच्चे कभी नहीं भूलेंगे कि स्टमक में एपिथेलियल सेल होती हैं जिससे म्यूकस निकलता है जो हमारे स्टमक को कवर कर लेता है म्यूकस, और एसिडिटी होती है तो तभी हम उससे बच पाते हैं, और कैसे फिर एसिडिटी से रिलीफ हम प्राप्त कर सकते हैं वह भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये एक उदाहरण है सिमुलेशन का। सिमुलेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर जितने भी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट, वर्चुअल रियलिटी कंटेंट सब इसमें आते हैं। आने वाले सत्रों में विस्तार से आप इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ एक उदाहरण है जिसमें आप क्यूअर ऐप, अगर इंस्टेंट जानकारी के लिए क्यूअर ऐप अपने मोबाइल में QUIVR लिख दीजिए मेल चैट बॉक्स में। क्यूअर ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं और क्यूअर वेबसाइट पर जाकर हम ये
तरह के स्केचेस मिलेंगे, जैसे कि ये वॉल्केनो का स्केच आप यहाँ देख सकते हैं, इनका प्रिंट लें और क्यूआर ऐप से अगर हम इस प्रिंट को स्कैन करें तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अभी हम देखते हैं कैसे, तो ये स्केच है, अब इसको स्कैन किया जा रहा है, ये हमने एक स्क्रीन कास्ट वीडियो बनाया है दिखाने के पर्पज से, तो ये स्कैन हो रहा है और कैसे 3D में कन्वर्ट होता है अब हम देख सकते हैं। साउंड शेयर करो। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से स्नो क्लैड वॉल्केनो का 3D दिखता है और गर्मियों में वॉल्केनो कैसा दिखता है और कैसे उससे लावा और अन्य पदार्थ विस्फोटित होते हैं। तो इसका हमने एक सिमुलेशन देखा जो नियर टू रियल एग्जाम्पल है, नॉट रियल। इसके अलावा अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका एक मोबाइल ऐप बेस्ड सिमुलेशन है, वो भी हम देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तब तक ये एक इमेज है जिसमें बहुत सारे यूटेंसिल छुपे हुए हैं, तब तक हम ये देख सकते हैं। एक दो सिमुलेशन और देख लेते हैं। ये हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सिमुलेशन है कि किस तरह से मुंह से स्टार्ट होकर एक हमारे भोजन के पाचन की यात्रा शुरू होती है और किस तरह भोजन का पाचन बड़ी आंत छोटी आंत के माध्यम से होता है और फिर कैसे वो जो ठीक अवांछित पदार्थ का सेक्रेशन है। होता है। तो ये हम देखें तो इसको घुमा के भी देख सकते हैं। तो ये बायो डिजिटल ह्यूमन एक ऐप है, उस ऐप के में हम इस तरीके के सारे प्रोसेसेस देख सकते हैं और ये प्रोसीजरल नॉलेज का एक उदाहरण है। वाईफाई चल रहा है। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, ये सभी तरीके के सिमुलेशन हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन का भी एक देख लेते हैं ऐसा सिमुलेशन। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि किस तरह से हमारे फेफड़े सिकुड़ते और फूलते हैं ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट देखें तो ये कुछ ग्लिम्सेस हैं, विस्तार से आप ये सभी तरह के रिसोर्स और देख सकते हैं जो भी साधन आपको बताए जा रहे हैं और इनके निर्माण की प्रक्रिया हम इन 5 दिनों में सीखेंगे।
सारे प्रकार के सिमुलेशन के तो नहीं, क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल और टीम वर्क होता है सिमुलेशन बनाना, लेकिन सीआईटी में हमने इन हाउस ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। ये इसमें किचन यूटेंसिल्स छुपे हुए हैं, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उसके लिए ये रिसोर्स है। नेक्स्ट हम देखें तो ये इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स के और गेम्स के आर्टिकल्स छुपे हुए हैं, इनसे भी हम चर्चा कर सकते हैं। हम फोटोग्राफ्स को भी चाहें तो एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर बर्ड्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ्स हमारे पास थे तो उनके साथ थोड़ा अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर करते रहिए, चैट बॉक्स देखते रहो। तो उसको अगर हम थोड़ा रिसर्च करें तो उन फोटोग्राफ्स को भी हम महत्वपूर्ण रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ्स हैं, और जो हम कॉपीराइट की बात करते हैं इसमें जो म्यूजिक प्रयोग किया गया है वो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक। आगे इंटरैक्टिव रिसोर्सेस का और उदाहरण आपको दिखाते हैं, और उसके लिए H5P एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको डेमो होगा, जिससे जो अभी हम रिसोर्स दिखा रहे हैं इंटरैक्टिव, इस तरीके के रिसोर्सेस कैसे हम H5P के प्रयोग से बना सकते हैं वो आप आने वाले दिनों में सीखेंगे। तो अभी हम स्क्रीन कास्ट वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम होते हैं इंटरैक्टिव रिसोर्सेस। फिर एक एनिमेशन का उदाहरण और देखेंगे। Can we put them in four baskets on the basis of their color? Let us try and put them into four फिर एक क्वेश्चन groups. आ रहा है जवाब तो ये कोई Match animals and birds with their footprints. सब्जियों को पहचाने और बताएं कि वे पौधे का कौन सा भाग हैं जिन्हें हम खाते हैं। देख रहे हो ना,
हम एक उदाहरण देखते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन का, और इसके लिए आप स्मॉल स्मॉल एनिमेशन एक ऐप से भी हम बना सकते हैं, जिसको स्टॉप मोशन स्टूडियो एक मोबाइल ऐप है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस से धीरे धीरे हमें बहुत रिफाइन क्वालिटी के एनिमेशन बना सकते हैं। जो अभी हम एनिमेशन दिखा रहे हैं वो स्टॉप मोशन एनिमेशन का ही एक उदाहरण है, और आपको इसको बनाने के टूल्स से भी एक्सपोज कराया जाएगा। हालांकि ये एक प्रोफेशनल एनिमेटर ने बनाया है, बट इसका स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग और कॉन्सेप्चुलाइजेशन, इसके लिरिक्स लिखना, ये सब कार्य CIT में ही हुआ है। तो देखें, पहुंचा नीचे पहले मैदान पर, गोल 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 गोल। देख उसे कुछ उसने सोचा, इसको ढोडो थकता, मैं तो इसको ढोडो थकता, पर यह तो खुद भी चल सकता। गोल 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 गोल। पल में काम मेरा हो जाए, मेहनत भी मेरी बच जाए। हाँ, गोल 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 गोल। धुरी से दो को बांधा, एक धुरी से दो को बांधा, धीरे धीरे किया सुधा। हाँ, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार। गोल 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 गोल। पहिया वो, ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का उदाहरण था। तो ऐसे एनिमेशन या डिजिटल रिसोर्स का ये मतलब नहीं है कि हमने क्लास में प्ले कर दिया और उससे बच्चे स्वयं सीख जाएंगे। ये ब्लेंडेड लर्निंग या जो हम कहते हैं फ्लिप्ड लर्निंग के लिए इनका प्रयोग हमें करना चाहिए, ताकि बच्चे इनका लाभ उठा सकें, क्योंकि कोई भी डिजिटल रिसोर्स या टेक्नोलॉजी टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हम तीन तरीके से प्रयोग कर सकते हैं किसी भी डिजिटल रिसोर्स का। पहला
प्री लेसन, जैसे कि मैंने आपको डार्विन वाला वो कार्टून दिखाया था डायनासोर वाला, मिड लेसन जब लेसन के मध्य में कहीं हमें आवश्यकता हो, और पोस्ट लेसन असेसमेंट के लिए हम रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इंटरएक्टिव रिसोर्सेज से बच्चे स्वयं अपना असेसमेंट कर सकते हैं, या टीचर भी क्लासरूम में उन रिसोर्सेज को प्ले करके असेसमेंट कर सकते हैं। तो प्री लेसन, मिड लेसन, पोस्ट लेसन में, या ये तीनों तरीके इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने स्टॉप मोशन एनिमेशन देखा, जब अर्लीस्ट डिस्कवरी एंड इन्वेंशन की, या आदि मानव वाला चैप्टर जो हर इतिहास की पुस्तक में पहला जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है बच्चों को इस विषय से, तो वो पहला चैप्टर होता है। तो अर्लीस्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, जिसमें पहिया, आग और खेती है, ये किस ह्यूमन बीइंग ने करी, किस इंसान ने करी? अब इसको हटा लो, हमें नहीं मालूम, लेकिन इन तीनों डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ने मानव सभ्यता के स्कीम हो गया है, जिससे व्यापार, यातायात, इन सभी चीजों को बढ़ावा मिला है। खेती का करें तो खेती से एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत इस डिस्कवरी से हुई, और आग से भी हम देखें तो कितने सारे महत्वपूर्ण जो मनुष्य के जीवन में बदलाव आए, तो वो इन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन से आए। और इन्हीं के वजह से मानव जो सभ्यता में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन का निर्माण भी शुरू हुआ, जैसे कि खेती के वजह से इंसान एक सेटल लाइफ जीने लगा, तो जमीन के ओनरशिप को लेके उनके बीच में झगड़े भी शुरू हुए, और शायद इसी वजह से राज्य जैसी संस्था का, कानून जैसी संस्था का निर्माण हुआ होगा। तो इजी से लेकर हम कॉम्प्लेक्स लर्निंग तक भी एक डिजिटल रिसोर्स को ले जा सकते हैं उसके प्रयोग से। तो इस तरीके से हम इन विभिन्न प्रकार का जो आपने संसाधन देखे, डिजिटल रिसोर्स देखे, और क्या भूमिका है टीचर की, उसको अपना रोल इन्वेंट करना होगा, टेक्नोलॉजी के इस युग में री इन्वेंट करना होगा, ना कि अपने आप को रिप्लेस करने के साधन के रूप में इन्हें देखना है कि प्ले कर। तो यही हम इस सत्र को समाप्त करते हैं, और लंच के बाद एक और रोचक सत्र आपके आगे होगा, जिसमें हम बात करेंगे एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस की, कि एक्सेसिबिलिटी क्या है, एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेस क्या है। थैंक यू।